ये एक तरफा लड़ाई नहीं है। जब 200 से ज़्यादा आतंकी दहशतगर्द हथियार लेकर के किसी एक जगह पे मौजूद होंगे तो ये हो नहीं सकता कि आप लड़ेंगे वो मरेंगे और वो कहीं ना कहीं किस तरह की को नापाक हरकत नहीं करेंगे। उनके नापाक हरकत ख़त्म कर दिए जाएं, उनको कर्ब कर दिया जाए, इसकी पूरी तरह से कोशिश है। इसके जो पहले से चल रहे हमारे इकदाम हैं उनको और तेज़ किया जाएगा और इस लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। सर, आपने कहा कि एक धिक्का और देने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में आवाम के लिए। सर, आंकड़ों की बात करेंगे, कितने आतंकवादी अभी सक्रिय हैं जम्मू कश्मीर में? पहले के मुकाबले में तादाद बहुत कम हो चुकी है और आने वाले टाइम में उसको जल्द ही और कम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कश्मीर में काफ़ी सारे युवाओं को खेलकूद में बढ़ावा दिया जाता है, अन्य जो सुविधाएँ बहुत दी जाती है, क्या जम्मू में भी इस तरह का बढ़ावा दिया जाए कि जो खेलकूद बच्चे वो आगे बढ़ सकें? कोविड के चलते हुए इन एक्टिविटीज़ में कुछ रोक आई है, मगर मुझे उम्मीद है कि इसमें जूँ ही राहत मिलेगी हम लोग फिर से अपने जवानों को अपने साथ खेल कूद की और बाकी एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे। सर, इस बार फिर सर हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है वो फिर कोविड के दौरान आ रहा है, तो क्या इस बार फिर सादगी से मनाया जाएगा या फिर जम्मू कोविड से पहले की तरह मनाया जाएगा? वो वक्त अभी दूर है, वक्त अभी आने पर बात की जाएगी। प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम को जिन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग आप सबको अलग अलग हिस्सों में दी है, और शाबाश ये कहना चाहता हूं आप सब ट्रेनिंग को जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल करके आज जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर शामिल होने का जो है वो दिन उसमें आपने शिरकत दी है। मैं आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के कुनबे में वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज से आप डेली से स्टेप ऊपर होके जम्मू कश्मीर पुलिस के बेहतरीन सदस्य बन चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपके साथ। आपकी काबिलियत का जिक्र प्रिंसिपल साहब ने करा, बहुत पढ़ा लिखा और काबिल बैच है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हासिल की है, बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं। और ये बैच की खासियत ये है कि ये बैच पास आउट होने से पहले ही अलग अलग तरह की पुलिस की जिम्मेवारियों को निभाने की ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका है। बीच में कोविड की वजह से एक लंबी ब्रेक देनी पड़ी, उस लंबी ब्रेक से ये बैच बिल्कुल पकड़ के तैयार होके अच्छी ट्रेनिंग के बाद और दूसरों से डबल ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो पास आउट हो रहा है। जवान अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए पूरी तरह हर तरीके से लायक हो, न सिर्फ उसको पता हो कि समाज के अंदर उसके प्राइस क्या है, उसको पता हो कि पुलिस के सदस्य होने के नाते उसकी क्या जिम्मेवारियां हैं, उसको पता हो कि लोग जिनके लिए वो अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं उनके कारण उनके क्या प्राइस है, और उनको पता हो कि मुल्क की शान और आन में अपने आप को निखावर कर देने की क्षमता लेकर निकल रहा है, उस मुल्क के कारण उनके क्या फर्ज है। मुझे फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, आपने शपथ ली है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ताउम्र इस शब्द को याद रखेंगे और इस शब्द के हर्फ का हर्फ अमल करने की कोशिश करेंगे। आप ही से जम्मू कश्मीर पुलिस की शान बढ़ेगी, आप ही जम्मू कश्मीर की पुलिस की शान को दोबारा करेंगे। आपने अपने अहद में ये भी कहा कि आप अपने रक्त जबत से और अपने अमल से जम्मू कश्मीर पुलिस की शान को बढ़ाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस पर पूरे उतरेंगे, खड़े उतरेंगे। दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, 30 साल का आतंकवाद जिसका जम्मू कश्मीर ने सामना किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस हर सतहों में आगे जाके करके इसका मुकाबला कर रही है। हमारे साथ ही आर्मी की तरफ से, CAPF की तरफ से हमारे साथ शामा बशामा हर रोज इस ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, और हमें फख्र है कि आज इस मकाम पे इस लड़ाई को हम पहुंचा चुके हैं। अब थोड़ी मेहनत, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा धक्का और देने की जरूरत है।
मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम लोग देर पा रहने वाली शांति अमन की फिजा को फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा कर सकेंगे। आपने, मुझे पता है कुछ लोगों ने अभी से जाहिर किया है कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ खास दस्तों में काम करने की इच्छा रखते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आप वॉलंटियर कर रहे हैं कि आप खास दस्तों में काम करना चाहते हैं और जो जो लोग उसके लिए चावाद होंगे, मैंने अपने AIG ट्रेनिंग जौहर साहब को पहले से इस ड्यूटी पे लगा रखा है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपकी उस खाब को भी पूरा किया जाएगा और आपको खुद भी काम करने का मौका दिया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है। नमस्कार, इस समय हम STC तलवाड़ा में खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे अटेस्टेशन और पासिंग आउट परेड हुई है। 15वां जो बैच था रंग रूटों का वो तैयार हुआ है और अब वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है और देश की रक्षा के लिए अब उन्हें तैनात किया जाएगा, अपनी सर्विस जो है वो ज्वाइन करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी यहां पे पहुंचे थे और उन्होंने परेड की सलामी ली है। परेड में काफ़ी टुकड़ियां थी जो रंग रूट तैयार हुए हैं उनकी, और इसके साथ ही जो बैंड थे उनकी टुकड़ियां भी थी वो भी परेड में शामिल थी और कुछ स्थानीय लोग भी थे, पुलिस के बड़े अधिकारी थे, कुछ सिविल जो अधिकारी हैं वो भी यहां पे मौजूद थे। और 15वां जो बैच है रंग रूटों का STC तलवाड़ा से तैयार होकर अब देश की सुरक्षा के लिए जाएगा।